जी हाँ दोस्तों, तो आईपीएल का एक और मैच हुआ इख्तिताम पजीर और बड़ा अच्छा मैच था। अगर चेज हो जाता तो जरा ज्यादा अच्छा हो जाता कि मेरी टीम जरा जीत जाती। और ये सबसे पहले आपको बता दो कि ये फरहान की टीम है। हाँ, सनराइजर हैदराबाद में तकरीबन 2008 से इनको सपोर्ट कर रहा हूँ और एक ही टीम मैंने रखी हुई है। तो आज अगर चेज हो जाता तो जरा ज्यादा मजा आ जाता, क्योंकि ऊपर से मेरा कैप्टन भी फेवरेट था मार्करम। तो ओवरऑल जरा थोड़ा सा व्यू दे दें मैच का कि पहले बारी में क्या हुआ। पहले बारी की टॉस हुआ जब, तो पहले बारी आई मुंबई की, ठीक है। और रोहित शर्मा आज खुद एज अ कैप्टन थे वो, क्योंकि पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव को उन्होंने कप्तानी दी थी, ठीक है। और एज अ कैप्टन उनके आईपीएल के 6000 रन भी पूरे हुए आज। एक उन्होंने माइलस्टोन, ये मैच इतने होते हैं 6000 रन फर्क ही नहीं पड़ता उनको, फिर भी एक मतलब कि बहुत कम प्लेयर हैं जो अभी तक 6000 रन इन्होंने बनाए हैं। मगर 2008 से खेल रहा रोहित शर्मा भी आईपीएल, 15 साल तो आईपीएल को हो गए हैं। कितने साल तो उसने ओपनर खेला है। हाँ वो भी ना, मगर ठीक है फिर भी यार 6000 स्कोर बहुत स्कोर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो शुरू में किशन ने उन्होंने एक अच्छी साझेदारी बनाई, हम जरा इंडियन लैंग्वेज में बात करेंगे कि उन्होंने एक अच्छी साझेदारी बनाई। और उसके बाद आए कैमरॉन ग्रीन, और कैमरॉन ग्रीन जिन पे उन्होंने तकरीबन 16 आज दिन भी था, हाँ जिन पे उन्होंने 16 करोड़ रुपया लगाया, वो आज उन्होंने क्लास पूरा कर दिया। उन्होंने आज बारी में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने तकरीबन 40 बॉलों पर 64 स्कोर किया और ठीक ठाक उन्होंने बारी करके गए। मगर मुझे यार खुशी है तिलक वर्मा की, जो उन्होंने नीचे से आगे छोटा से कैमियो खेला। उन्होंने मेरे ख्याल 17 बॉलों में उन्होंने 37 स्कोर किया और वो बड़ा इम्पैक्टफुल स्कोर था, वो ही स्कोर जो था ना उनको एंड में टारगेट तक लेगी। क्योंकि सूर्य कुमार यादव तो बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं आईपीएल में अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी उन्होंने कोई 30+ नहीं, 30+ एक किया पीछे केकेआर के मैच में, वो जिसमें लड़ाई हो गई थी और उसमें वो कैप्टन थे, वो ना ही समझो यार मतलब वो 43 किया था उसने, तो उसी मैच में सिर्फ वो चले। उसके अलावा उन्होंने वो अंडर 10 नहीं आउट हुए सूर्य कुमार यादव, मगर एक यार नो डाउट एक अच्छा प्लेयर है। लेकिन फिर भी मतलब कि उनको भी सोचना चाहिए कि नंबर 2 बैट्समैन, यार क्या पता स्क्रिप्ट वैसे हो कि आपने नहीं चलना, हमारी ड्रीम इलेवन खराब हो जाएगी। आपने बड़े मैचेस में चलना ये भी तो उनका होता है ना कि ऐसे प्लेयर एंड में आगे चलते हैं, जब क्वालिफायर राउंड या किसी को बाहर निकालना होता है वाले मैचेस आ जाते हैं, तो फिर वो टीमें ये सोचती है यार इसने तो नहीं चलना, ठीक है इसको रहने दो, बाकियों पे क्या कहते हैं नजरसानी। सेकंड इनिंग पे आते हैं, सेकंड इनिंग में बताएं कि सेकंड इनिंग में शुरू में ओपनिंग हैरी ब्रू का नहीं चले, जिन्होंने लास्ट मैच में सेंचुरी की थी, तो वो आज आउट हुए जैसन बैनक्रॉफ्ट से। टिपिकली लाहौरी, ठीक है लाहौर से सीख गए हैं ना। और राहुल त्रिपाठी आउट हुए। उसके बाद मार्करम ने और मयंक अग्रवाल ने छोटी सी साझेदारी फिर से बनाई, और मयंक अग्रवाल ने तकरीबन 48 स्कोर किया। मार्करम जरा जल्दी आउट हो गए, क्योंकि सिचुएशन उस तरह की थी कि आपको हिट करना ही लाजमी था, और मार्करम इस तरह के कैप्टन है क्योंकि उन्होंने पीछे ऐसे T20 भी जितवाई है, तो वो इस तरह के कैप्टन है कि वो स्ट्राइक रोटेट तो वो करते रहते हैं। मगर नीचे से आगे हैंड्री क्लासन ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने तकरीबन भी स्कोर किया है, हैंड्री क्लासन ने मेरे ख्याल से 36 या 38 स्कोर किया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और हमें था कि नीचे शायद शुभमन सुंदर या मार्को यंसन आगे फिनिश कर देंगे, मगर फिनिश नहीं हो पाया उनसे। फिनिशर मेरे ख्याल में जोसन है, इनके पास सबसे कम है, इनके पास सबसे कम है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इन्होंने एज अ फिनिशर मार्को यंसन को रखा हुआ है। अभी इन्होंने ग्लेन फिलिप को निकलाया, वो भी यूज़ हो सकता है। मगर नहीं पीछे जो 2-4 मैचेस हुए हैं ना साउथ अफ्रीका में भी, वो भाईजान उसने कोई मूड चेंज ही किया हुआ अपना, अफ्रीका की बात करें बड़ा मजा आता है कसम से वहाँ मैच देखने का। मैं कहता हूँ हर वर्ल्ड कप अफ्रीका में हुआ, मुझे तो इतना शौक है अफ्रीका में मैच देखने का। आप बताएं आपको कहाँ पे देखना पसंद है, अभी हमें कमेंट्स में बोलें। ये मोस्टली हमारी जनता जो है ना वो है इंडिया और पाकिस्तान की, तो ये कहते हैं कि एशिया में ही हो, और पाकिस्तान इंडिया की सीरीज के लिए ये बड़े बेताब है, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान इंडिया का एक चांस मान सकते हैं टेस्ट सीरीज का, वो भी ये है कि वो फाइनल में दोनों आ जाए टेस्ट चैंपियनशिप में। मैं कहता हूँ पाकिस्तान तो नहीं आती, हाँ पाकिस्तान खुद नहीं आना चाहती, पाकिस्तान अपने घर में टीमें बुलवा के तो अपने आप को कुट पड़वाती है। बहरहाल जी ओवरऑल काफ़ी अच्छा मैच था, और मुंबई इंडियन ने तकरीबन मैच जीता है 14 स्कोर से, और पॉइंट टेबल में 5वें 6वें नंबर पे वो आ गई है। और सनराइजर हैदराबाद के लिए बेस्ट विशेज के अगला मैच वो अच्छे तरीके से खेल लें। अभी बहुत मैचेस पड़े हैं, बहुत आईपीएल, अभी तो आधा भी नहीं आईपीएल हुआ, अभी बहुत आईपीएल पड़ा हुआ है,
तो इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। हमें प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिए और अपनी राय से हमें आगाह करते रहे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।